क्या होगा अगर आपके अंदर दुनिया की सबसे अजीबोगरीब पावर्स आ जाए और आपको उन पावर्स से दुनिया को भी बचाना है, तो सोचो कि आपके साथ क्या क्या होगा। योशिरो कामोगावा, हाई स्कूल का सबसे अनपॉपुलर लड़का, जिसे लड़कियां भाव देना तक दूर, उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि उसका स्किन कलर ब्लैक है। पर एक रात सब कुछ बदल गया। अलग अलग लड़कियों के बारे में कल्पना करते हुए उसने अपनी पूरी रात गुजार दी। अपने सपने में उसने एक लड़की देखी जिसे पाने के लिए वो मरा जा रहा था, क्योंकि वो उस लड़की से पहले भी मिल चुका था जब वो दोनों अपनी अपनी माँ के पेट में थे, और इन दोनों ने टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से मिलने का वादा भी किया था। और अब उसकी ड्रीम गर्ल की इमेजेस उसके दिमाग में आती रहती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की ओर भागे और हाथों पर किस भी किया। अब प्रेजेंट में योशिरो जैसे ही अपने होने वाली गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर मजे ले रहा था कि तभी अंतरिक्ष से एक रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाता है। लेकिन बाद में सब कुछ शांत होने के बाद वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, अब आगे हम योशिरो की क्लासमेट मियोको को देखते हैं, जो खुद भी योशिरो की तरह सपने देख रही थी, इसीलिए वो भी उस अजीब सी रोशनी की चपेट में आ गई। अब अगली सुबह योशिरो अपनी माँ और उनके बॉयफ्रेंड के साथ जब डिनर करने के लिए बैठा, तो तभी वो अचानक से उन दोनों के थॉट्स को सुन पा रहा था। इतने अजीबोगरीब थॉट्स सुनकर योशिरो को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो अपना खाना बीच में ही छोड़कर वो अपने स्कूल के लिए निकल गया। लेकिन जब स्कूल पहुंचा तो वो काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि वो वहाँ के सभी स्टूडेंट्स के थॉट्स को सुन पा रहा था, जो बात उसे काफ़ी अजीब लगी। योशिरो की टीचर, जो स्कूल की सबसे हॉट लड़की बनना चाहती थी, जबकि वो बाकी की लड़कियों को छोटी स्कर्ट्स पहनने के लिए मजबूर करती थी। अब इसके बाद योशिरो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है। यहाँ पर वो दोनों साय नाम की एक लड़की को देखते हैं। साय स्कूल में नई स्टूडेंट थी, जिसे देखते ही योशिरो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। फिर तभी वहाँ पर हवा का एक झोंका आता है, जिसके चलते साय की स्कर्ट हवा में उड़ जाती है, और खैर मियोको भी ये सब देख लेती है, तो गुस्से में आकर वो योशिरो को नीचे गिरा देती है। फिर तभी योशिरो अपने मन में उसे गाली देने लगता है, तो ये सारी बातें मियोको भी सुन लेती है, यानी कि अब वो भी लोगों के थॉट्स को सुन सकती थी। अब क्लासरूम के अंदर टीचर साय को इंट्रोड्यूस कराती है, जिसे देखकर योशिरो सोचने लगा कि क्या वो वही लड़की है जिसकी उसे तलाश है। अब यहाँ से सीन कट होकर हमें टोक्यो में प्रोफेसर असामी और उनकी असिस्टेंट मिस अकियामा को दिखाया जाता है, जो सिटी में फैल रहे किसी ट्यूमर के बारे में बात कर रहे थे। इधर हम लौटते समय योशिरो को उसका ओल्डर फ्रेंड तेरू अपने पास बुलाता है, जहां पर वो उसे अपने अडल्ट टॉयज दिखाता है। दरअसल तेरू एक रेस्टोरेंट का मालिक है, जहां खाली समय वो ऐसी फालतू चीजों में अपना वक्त बिताना पसंद करता है। उसके अंदर एक खास तरह की पावर्स भी है, जिसमें वो चीजों को हाथ लगाए बगैर ही हवा में उड़ा सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी पावर उन चीजों तक ही सीमित थी जिसमें अडल्ट चीजें ना हो। खैर, अब अगले दिन योशिरो साय से बात करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने रास्ते से जा रहा होता है, तो तभी वो अपने एक फ्रेंड एनोमोटो के दिमाग को पढ़ लेता है, जिसमें वो सोच रहा था कि आज वो साय और बाकी सारी लड़कियों के सामने बिना कपड़ों के जाएगा। ये सुन योशिरो ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि एनोमोटो के अंदर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने की पावर है। वो सीधा लड़कियों के लॉकर रूम में पहुंच गया और खुद को उन सारी लड़कियों के सामने बेनकाब कर दिया, लेकिन उसका ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, जिस वजह से वो वहां से एक बार फिर से टेलीपोर्ट हो गया। अब इसके बाद हम प्रोफेसर असामी और मिस अकियामा को देखते हैं, जो उन लोगों की तलाश में थे जिनके अंदर ऐसी अजीबोगरीब पावर्स है, ताकि वो अपने किसी मिशन को अंजाम दे सके। अब सारे लोग को इकट्ठा करने के बाद हमें पता चलता है कि मिस अकियामा के अंदर भी एक अजीबोगरीब पावर्स है। दरअसल मिस अकियामा की ब्रिस्ट को जिस किसी ने भी देखा, तो वो उसके फ्यूचर को देख सकती है। अब हम देखते हैं कि इस टीम में योशिरो, तेरू, अनामोटो, मियोको और याबे नाम का एक और खौफनाक स्टूडेंट भी शामिल है। याबे की एबिलिटी की बात करें, तो वो किसी भी चीज के आर पार देखने की क्षमता रखता है। जल्द ही प्रोफेसर असामी खुद को उन सभी से इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि वो काफी समय से ईएसपी पर काम कर रहे हैं। वो ये भी बताते हैं कि योशिरो और बाकी सभी को ये सारी पावर्स एक स्पेशल घटना के कारण मिली है।
आगे ये भी पता चलता है कि वो ESP हासिल करने वाले पहले पर्सन नहीं है। 200 साल पहले ऐसी शक्तियां और भी लोगों को मिली थी, और इस बार योशिरो और बाकी सबको ये शक्तियां इसीलिए मिली क्योंकि वो उनकी क्राइटेरिया पर खरे उतरे थे। जैसे कि सबसे पहले वो सभी कुवारे हैं, नंबर 2 कि वो सभी वर्जिन है, नंबर 3 कि जब वो किरणें जापान से टकराई तो वो सभी उत्तेजित हो गए और अडल्ट चीज़ें कर रहे थे, नंबर 4 कि उन्होंने अपनी शक्तियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर असामी का ये भी कहना है कि अमेरिकी तांत्रिकों को किसी दूसरे तांत्रिकों द्वारा मार दिया गया था, और इस शहर में दूसरे तांत्रिक भी मौजूद हैं और वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें अपने शहर की रक्षा करनी होगी। और फिर तभी साय बाथरूम के अंदर से निकलती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि साय असामी की बेटी है। और इसके बाद कहानी अकीको कामिया नाम की एक लड़की पर आती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अकीको लेस्बियन है और वो खुद भी अपने पार्टनर की तलाश में है, पर उसे हर बारी इग्नोर किया जाता है। लेकिन क्योंकि अकीको के पास भी अपनी स्पेशल पावर थी, तो वो लड़कियों को फ्रीज कर उनका एडवांटेज लेना शुरू कर देती है। अब उसी रात हम योशिरो के स्कूल में कई सारी अडल्ट डॉल्स को देखते हैं, जिसे किसी ने जानबूझकर वहां पर फेंक दिया था। असामी जल्दी से अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और कुछ सैंपल अपने पास रख लेते हैं। अब अगले दिन योशिरो के स्कूल में हम एक न्यू टीचर को देखते हैं, जिसका नाम मिया है, और वो सेक्स से काफी ऑब्सेस्ड है, और इसके पास भी अपनी स्पेशल पावर है। इसी बीच अडल्ट डॉल से मिले सैंपल की जाँच कर प्रोफेसर असामी पता लगाते हैं कि ये सैंपल पृथ्वी से नहीं है। उन्हें इस बात का डर है कि इसके पीछे उन बुरे तांत्रिकों का हाथ हो सकता है। अगले सीन में हम अकीको को देखते हैं, जहां उसके घर के अंदर से कई सारी लड़कियां अचानक से बाहर निकलने लगती है और उसकी बोट पर बैठ जाती है। बाद में हम अकीको को देखते हैं जो नदी के किनारे खड़ी है, और वो अपने मुँह से कोई जादुई पाउडर निकाल कर पूरे शहर में फैला देती है। इधर सिटी हॉल में हम लड़कियों के एक ग्रुप को देखते हैं जो मेयर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में लगे हुए थे। दरअसल उनकी मांगे थी कि लव होटल्स को फ्री कर दिया जाए, सिटी में न्यूड बीचेस हो, अडल्ट बिजनेस को बढ़ावा मिलना चाहिए एक्सेट्रा। जल्द ही प्रोफेसर असामी और अकियामा वहां पर पहुंच जाते हैं और प्रोटेस्टर के लीडर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अकीको आगे आती है और पता चलता है कि वो इन सबके साथ है, और वो भी बताती है कि उसके पास भी साइकिक पावर है और वो लालची इंसानों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिसके बाद वो अपने लड़कियों को उन दोनों के ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस लड़की वहां पर प्रकट हो जाती है और अकीको की लड़कियों को अडल्ट डॉल्स में बदल देती है, जिसे देखकर अकीको काफी शॉक हो जाती है और वहां से भाग निकलती है। जैसा कि हर कोई समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या, कि तभी वो मिस्टीरियस लड़की खुद को इंट्रोड्यूस किए बगैर ही वहां से गायब हो जाती है। अब इधर स्कूल के बाद साय और उसकी फ्रेंड जब अकीको के घर के सामने से गुजरते हैं, तो उन्हें वहां पर माहौल काफी अजीब लगा, और फिर तभी अकीको भी वहां पर आ गई, जिसने साय को किडनैप कर लिया था। साथ ही उसने मियोको को भी बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया। अब पूरा शहर नियंत्रण से बाहर जा रहा था, हर किसी के मन में काफी गंदे थॉट्स आने लगे थे। बिकिनी में देखकर हर इंसान अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा था, लेकिन एक इंसान तेरु को छोड़कर वो अपने प्राइवेट पार्ट को ही फील करने में असमर्थ था, जिससे उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन मियां उसे दिलासा देते हुए कहती है, इंसान की कीमत सिर्फ उसकी मर्दानगी में नहीं होती। और फिर तभी योशिरो को साय का कॉल आया, जो उसे एक बगीचे में मिलने के लिए बुला रही थी। वहां पहुंचकर योशिरो अपने सपने की तरह साय को अपनी लंबी खूबसूरत टांगों के साथ दौड़ते हुए देखता है। साय उसे अपने फादर के साथ ESP की खोज करने के लिए थैंक्स कहती है, जिसके बाद वो उसे डायरेक्टली अपने साथ इंटरकोर्स करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर योशिरो काफी शॉक हो जाता है और सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि साय इतना आगे का सोच सकती है। और फिर तभी वो मिस्टीरियस लड़की वहां पर प्रकट हो जाती है, जो साय को एक अडल्ट डॉल में तब्दील कर देती है, जिसे देखकर योशिरो के पसीने ही छूट जाते हैं। वो मिस्टीरियस लड़की प्रोफेसर असामी को अपना नाम जूली बैबकॉक बताती है। वो बताती है कि कुछ तांत्रिक दुलुथ नरसंहार से बच गए और छिप गए। जूली उन तांत्रिकों की वंशज है
और आने वाली मुसीबत को रोकने के लिए वो इतनी दूर जापान में आई है। इसी बीच एक जासूस अकीको के घर का पता लगाती है और ये भी पता चलता है कि वो अपने पड़ोस की लड़कियों को किडनैप कर रही है, जो खबर वो जासूस प्रोफेसर असामी को दे देती है। तो किडनैपर को पकड़ने के लिए असामी योशिरो को लड़की के रूप में बाहर भेज देते हैं और बाकी सब छिपकर उस पर नजर रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अकीको अकियामा को एक पेड़ के पास देख लेती है और उसे हिप्नोटाइज करने के लिए जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती कि तभी अकियामा अपना फ्यूचर देख लेती है और उसे रोक लेती है। लेकिन अकीको वहां से भाग निकली। फ्यूचर देखने की एबिलिटी से उसे पता चलता है कि अकीको सिटी हॉल की ओर गई है, तो बिना वक्त गवाए वो सभी सिटी हॉल की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर वो उन सारी लड़कियों को बेहोशी की हालत में देखते हैं। आखिर में अकीको अपनी लड़कियों के साथ उनके सामने आती है, लेकिन उन्हें देखते ही जूली उनमें से कुछ लड़कियों को अडल्ट डॉल्स में बदल देती है, जो देख अकीको काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी बाकी लड़कियों को उन पर हमला करने के लिए बोल देती है। मियां योशिरो को उन लड़कियों से बचाने के लिए अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन वो उसे एक बड़ी सी डॉल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि मियां ने योशिरो के अलावा साय और मियोको को भी दो अलग डॉल्स में बंद कर दिया हुआ है। वो तीनों काफी परेशान थे और एक दूसरे की आवाज को भी सुन सकते थे, तो मियोको एक स्पेशल गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर योशिरो काफी अचंभित हो जाता है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि उसकी ड्रीम गर्ल और कोई नहीं बल्कि मियोको ही है। वो उसे बताता है कि हम दोनों वही हैं जिन्होंने टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से मिलने का वादा किया था, जिसे जानने के बाद वो दोनों खुशी के आंसू रोते हैं और फाइनली योशिरो अपने सपने की गर्ल में मियोको का चेहरा देखता है, जो अपनी लंबी टांगों के साथ उसकी ओर भाग रही थी। इससे पहले कि वो दोनों किस कर पाते कि तभी मियां उन दोनों के बीच में आ जाती है, जिससे योशिरो अपने सपने से बाहर आ जाता है। इधर प्रोफेसर असामी और उनके साथी जूली की मदद से उन सारी लड़कियों को डॉल्स में बदल देती है और फाइनली अकीको हार मान लेती है। लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि मेरी मास्टर मियां तुम्हें सबक जरूर सिखाएगी। और तभी उन्हें एक और बड़ी बात पता चलती है कि अकीको सिर्फ एक कठपुतली थी, जो अभी तक मियां के इशारों पर चलती आ रही थी। और इसी के साथ प्रोफेसर असामी ने यह भी पता लगा लिया कि मियां लोगों की यादों को अपने कंट्रोल में कर सकती है। इधर मियां योशिरो के करीब आने की कोशिश करती है कि तभी प्रोफेसर असामी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और मियां से उसके इरादों के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो जोर देते हुए कहती है कि वो धरती से मानवता को नष्ट करना चाहती है। उसे इंसानों से नफरत है क्योंकि इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और काफी लालची होते हैं और सिर्फ भगवान के चुने हुए लोग ही बच सकते हैं। आगे वो कहती है कि योशिरो चुने गए व्यक्तियों में से एक है और मैं उसे प्यार भी करती हूँ। वो ये भी बताती है कि वो योशिरो के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि उसके दिल में योशिरो को लेकर फीलिंग्स है। तभी जूली उसे बीच में रोकती है और उसकी आत्मा को क्लीन करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर मियां उसके ऊपर भारी पड़ती है और उसे बेहोश करके नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो योशिरो की ओर देखती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, नहीं तो वो उसे जान से मार डालेगी। भोला भाला योशिरो, जो कि हाई स्कूल का स्टूडेंट है, वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन जब मियां कहती है कि पृथ्वी का भाग्य तुम्हारे हाथ में है, तो ये सुन योशिरो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। वो उसे एक नर्सरी के अंदर लेकर आती है, जहाँ उसने साय, मियोको और खुद को बच्चों में बदल दिया था। वो योशिरो को भी बच्चे में बदलने के लिए कहती है, जिसे सुन योशिरो साफ मना कर देता है। वो उसे काफी इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि वो एक जवान लड़का है और बच्चा बनकर क्या करेगा। एक लड़की है जिससे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, हम दोनों ने बचपन से मिलने का वादा किया था और अब वो मुझे मिल चुकी है, सो प्लीज मुझे बच्चा मत बनाओ और यहाँ से जाने दो। और पता नहीं, ये सुन मियाँ भी उसकी बात मान देती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। और फिर मियाँ के जाते ही पूरा शहर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और जो लोग पहले आधे नंगे शहर में घूम रहे थे, वो सबकी मेमोरीज फिर से वापस आ जाती है। सभी लोग योशिरो को थैंक्स कहते हैं क्योंकि वो उनके लिए कोई एवेंजर से कम नहीं था, उसने सारे बुरे लोगों को यहाँ से भगा दिया। अब अगले दिन योशिरो जब स्कूल पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ की हर लड़की उसका फेवरेट जिंगल गा रही थी। दरअसल योशिरो जब अपनी माँ के पेट में था तो तब यही जिंगल प्ले हुआ था। योशिरो काफी उलझन में है कि हर कोई इस जिंगल के बारे में कैसे जानता है। फिर नरेशन के जरिए हमें बताया जाता है कि
हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद योशिरो की माँ कई सारी गर्भवती महिलाओं के साथ बैठी थी। पेज के अंदर से योशिरो ने टेलीपैथी के जरिए वहाँ के सभी अनबॉर्न बेबी से बात की थी, जिस वजह से वो सभी उसकी सोलमेट है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।